कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन को सीखने से पहले, कलाम में से पढ़ने से पहले हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, सच्चे परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं खुदाबंद। आपका धन्यवाद करते हैं आपने ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें। महान परमेश्वर, आज जब हम आपके कलाम को पढ़ें, आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएँ, ये वचन हमारी ज़िंदगी को चेंज करें। अपने सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। आज के ये वचन हर एक की ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बाइबल में से डिस्कस करने वाला हूँ। हम जानते हैं हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बहुत जल्द बादलों के ऊपर लेके जाने वाले हैं। पर क्या कहती है बाइबल? कलीसिया ही नहीं, बाइबल कहती है कि वो अपनी दुल्हन को बहुत जल्द अपने साथ लेके जाने वाला है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। बाइबल कहती है कि हमें एक दुल्हन की तरह तैयार रहना है ताकि अपने दूल्हे के साथ हम बादलों पर उठाए जाएँ। हालेलुया। पर आज किस तरह से शैतान इस हस्बैंड वाइफ, दुल्हा दुल्हन, इस रिलेशन को ही ख़राब करके रखे हुए है, किस तरह से वो इस रिलेशन के ऊपर अटैक करता है एवरी डे ताकि लोग अपने इस रिलेशन को ब्रेक कर दें, इस रिलेशन से गिव अप कर लें। क्यों? ताकि वो अपने उस दुल्हे यीशु मसीह के साथ कभी भी बादलों पे ना जाने पाए। हालेलुया। मैं आज आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बाइबल में से शेयर करूंगा। हम लोग देखेंगे बाइबल में से इफिशियंस की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 22 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों,
अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो जो वरण पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वे अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हस्बैंड एंड वाइफ, परमेश्वर ने पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए बनाया। बाइबल कहती है पत्नियां पति के अधीन रहें, पति पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करें। क्यों परमेश्वर ने इस रिलेशन को इम्पॉर्टेंस दी? क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारा पति है, हमारा दूल्हा है। बाइबल कहती है कि हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसके अधीन रहें, उसके चलाए चलें, उसकी बाट जोहते रहें। हम इस वेट में अपने आप को तैयार रखें कि हम बादलों पर उठाए जाने वाले हैं। आज बहुत से लोग इस वेट में तो हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, हम उसके साथ बादलों पे उठाए जाने वाले हैं, पर अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ उनका रिलेशन बिल्कुल गड़बड़ है। आपको क्या लगता है, अगर हम जमीन के ऊपर दी गई जिम्मेवारियां, जमीन पे दी गए रिलेशंस को ऑनर नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर आसमान पे रिलेशंस को ऑनर होने देगा? उसने कहा जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान में बंधेगा, जो जमीन पे खोलोगे वो आसमान में खुलेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने मिट्टी लेके उससे आदम को बनाया, उसमें अपने श्वास को फूका, उसे अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर ने 6 दिनों में जो कुछ बनाया सब कुछ को बना के परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है। पर आदम को अकेले देख के परमेश्वर ने कहा ये अच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसी की पसली में से पसली को लेके उसने ईव को बनाया। उसने कहा ये तेरी पत्नी होगी, ये तेरी हड्डी में की हड्डी है, मांस में का मांस है। इसीलिए बाइबल कहती है कि पति पत्नी हमेशा आपस में मिले रहेंगे। बाइबल शादी को, बाइबल मैरिज को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। बाइबल कहती है कि बिछौना निष्कलंक रहे। आज लोग शादी करना नहीं चाहते, आज जनरेशन मैरिज पे बिलीव नहीं करती। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? ये डेवल का एक बहुत बड़ा अटैक है, वो मनों में इस चीज़ को डालता है कि तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं। पर शादी को बाइबल बहुत इम्पोर्टेंस देती है। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जब शुरू की, उसने जब सेवकाई शुरू करने के बाद पहला चमत्कार किया वो शादी में किया, काना गलील की शादी में। बहुत बार वचन शादी की बात करता है और पति पत्नी को यीशु मसीह और कलीसिया करके भी बताया गया है। बाइबल शादी को ऑनर करती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के कहा इस जमीन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर फलो फूलो और बढ़ जाओ, दोनों को ब्लेस किया। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा मैरिज की इंपॉर्टेंस, कैसे प्रभु यीशु मसीह, कैसे यहोवा परमेश्वर ने इस मैरिज को इतना शक्तिशाली एक वेपन बनाया डेवल के अगेंस्ट। हालेलुया।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं मैरिज के बारे में, हम देख रहे हैं शादी के बारे में। आज डेवल नहीं चाहता कि लोग शादी करें, डेवल नहीं चाहता कि एक लड़का और लड़की आपस में विवाह करें और उनका परिवार बढ़े। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये परमेश्वर की कमांड है, ये यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने बताया कि कैसे इस पृथ्वी के ऊपर आदम और हवा को बना के एक दूसरे के लिए बढ़ने, फूलने और बढ़ जाने की, ब्लेस करने की आशीष परमेश्वर ने दी। आज लोग शादी नहीं करना चाहते, लोग इकट्ठे तो रहना चाहते हैं पर लोग शादी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि पहले हम परख लेंगे, जांच लेंगे, बाद में हम डिसीजन बनाएंगे। बाइबल कहती है तेरा बिछौना निष्कलंक रहे। बाइबल शादी से पहले इकट्ठे रहने की इजाज़त नहीं देती। बाइबल कहती तू अपने परमेश्वर के भय में चल, अपने सब कामों को उसके ऊपर डाल दे। अगर हम मैरिज करके फेथ के साथ, विश्वासी के साथ, अगर हम फेथ में चलते हुए मैरिज में जाते हैं तो हमारी मैरिज ब्लेस होगी और परमेश्वर के वचन पूरे होंगे। यीशु मसीह ने अपने लाइफ में, अपनी सेवकाई में, शुरुआत में जब पहला चमत्कार किया, काना गलील की शादी में उसने चमत्कार किया, यहोवा परमेश्वर ने बाइबल की शुरुआत में ही उसने कहा कि दोनों की शादी के बाद तुम लोग फलो फूलो बढ़ जाओ। हम एक और आयत को पढ़ेंगे जो आपको बताएगी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र बंधन को किस तरह से अपनी कलीसिया और यीशु मसीह के साथ कंपैरिजन किया। हालेलुया। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियन 11 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतों को। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता भी सह लेते हो तो क्या ही भला होता है, हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। पौलुस बताता है कि तुम, अगर तुम्हें मेरी सहनी पड़े इस बात में, सह लो इस बात में, तुम्हें किसी भी तरह से मैं इसी तरह से नहीं छोड़ सकता कि जिस तरह से मर्जी अपनी लाइफ में चलो। बाइबल कहती है कि तुम्हें पवित्रताई के साथ एक दूसरे को अपने आप को सौंपना है, हस्बैंड को वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड को। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात को लगाया है। कौन है वो? वो यीशु मसीह है। हम हर जगह जाके हम नहीं बोल सकते कि तू भी परमेश्वर है, तू भी परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती एक ही परमेश्वर है। पौलुस कहता है एक ही पुरुष है जिसने मैंने तेरी, जिसके साथ बात लगाई है। हालेलुया। हमारा एक ही पति हो सकता है, हमारी एक ही पत्नी हो सकती है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पौलुस ने हमारी बात उस यीशु मसीह से, हमारे दुल्हे से लगाई है कि हम जब वो बादलों पर आए हम उसके साथ उठाए जाएँ। हम आज ये तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ हो जाए, हम उसके साथ बादलों पे उठाए जाएं, पर क्या हम इस ज़मीन के ऊपर दी गई शादी को ऑनर करते हैं? क्या हम इस ज़मीन के ऊपर दिए गए रिलेशन को ऑनर करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के, और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कितना ऑनर करते हैं आप अपने हस्बैंड को, कितना ऑनर करते हैं आप अपनी वाइफ को? आज हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी लोग मैरिटल अफेयर करते हैं, उनको ये नॉर्मल बात लगती है, पर आप नहीं जानते ऐसा करके आप परमेश्वर के वचन के अंगेंस जा रहे हैं, ऐसा करके आप अपने लिए ट्रबल्स को बाय कर रहे हैं, आप अपने लिए मुसीबतों को मोल ले रहे हैं। आप यीशु मसीह के साथ बादलों पर नहीं उठाए जा सकते, आप रैप्चर का हिस्सा नहीं होंगे अगर आप ऐसा कर रहे हैं। बाइबल हमें साफ बताती है, उसने कहा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो।
इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने आप को कितना ऑनर देते हैं, क्या आप बराबर अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को उसी तरह से ट्रीट करते हैं? अगर आप नहीं करते, आपको करना है आज से, ताकि आप अपने उस दुल्हे के साथ जा सके। आज डेविल जो सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आता है वो ये कि शादी करने की ज़रूरत नहीं, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। क्यों ऐसा? अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, दोनों प्रार्थना करने वाले होंगे, दोनों मिलके परमेश्वर का काम करने वाले होंगे, रूहों को बचाने वाले होंगे, एक दूसरे को लिफ्ट अप करने वाले होंगे। इसीलिए बाइबल कहती है एक से दो भले। हालेलुया। अगर एक का फेथ कुछ नीचा जाता है, दूसरा अपनी प्रार्थना से उसको लिफ्ट अप कर देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि शादी बहुत ही पवित्र मानी जाए, तुम अपने पार्टनर के साथ पवित्रता के साथ बने रहो। आज बहुत बार हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, इसलिए लाइफ में स्ट्रगल बनी हुई है, जबकि ये परमेश्वर की कमांडमेंट है कि पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ वफादारी के साथ एक दूसरे को ऑनर करके चलें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जैसे हम धरती के ऊपर अपनी मैरिज को ऑनर करेंगे, आसमान पे जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा वो उस मैरिज को ऑनर करेगा, वो दुल्हा इस दुल्हन को अपने साथ बादलों पे उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। बाइबल हमें मैरिज के बारे में शुरू से बताती आई है, और बाइबल की आखिरी किताब रेवलेशन में भी मैरिज के बारे में बताया गया है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब क्या कहती है मैरिज के बारे में। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हर दम, यीशु आने वाला है। सुहाने वाला है, शम्मे जलाए रखना, ये सुहाने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं पति और पत्नी के रिलेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, जिसको परमेश्वर ने ऑनर किया। बाइबल कहती है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो आया, जब उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया, लोगों को ये लगा कि शायद यही वो है जिसकी हम बात जोह रहे थे। जैसे वो आया, लोग उसके पास, फरीसी लोग गए और उससे पूछने लगे, क्या तू ही वो है जिसकी हम बात जोह रहे थे? उन्होंने कहा क्या तू एलिया है, क्या तू भविष्यवक्ता है? उसको बहुत से क्वेश्चन कहे। उसने उनको क्या उत्तर दिया? उसने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ। यूहन्ना ने उनसे कहा जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने भी बताया, उसने भी कहा कि वो दूल्हा है, वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा।
हालेलुया। और मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कौन मेमना? यीशु मसीह नासरी। बाइबल कहती है मेमने का विवाह आ पहुंचा है, रैप्चर बहुत करीब है, वो शादी बहुत करीब है। जैसे यहाँ पे लिखा है उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्या हमने अपने आप को तैयार कर लिया है? ज़रूरी है हम पापों से तौबा करें, ज़रूरी है हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ज़रूरी है उसकी आज्ञाओं के पीछे चलें, पर उससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ फेथफुल रहें, हम अपने लाइफ पार्टनर को अपने से ज़्यादा ऑनर करें, हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। हालेलुया। बाइबल कहती है मसीह कलीसिया का सर है, और बाइबल बताती है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ का सर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वाइफ जो है वो कम आदर के योग्य है। जब परमेश्वर ने आदम में से हवा को निकाला तो बाइबल कहती है उसकी पसली से उसको निकाला। क्यों पसली से? ऐसा क्यों नहीं कि उसके सिर की हड्डी से क्यों नहीं बनाया गया? क्या परमेश्वर बना नहीं सकता था? या क्यों पैर की हड्डी में से नहीं बनाया? क्या परमेश्वर बना नहीं सकता था? ये इसलिए ताकि परमेश्वर ये दिखाए कि आदम और हवा दोनों बराबर हैं। पैर में से अगर निकालता तो शायद जो आदमी है वो बोलता कि तू मेरी पैर में से निकाली गई है, अगर सर में से निकालता तो शायद औरत बोलती मैं तेरे सर में से निकाली गई हूँ, मैं तेरे सर के ऊपर अधिकार रखती हूँ। नो, परमेश्वर ने दोनों को इक्वल किया। और मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है कि पति अपनी पत्नी से अपने से बढ़ के प्रेम रखे और पत्नी अपने पति के अधीन रहे। सबसे पहली बात, हमें, अगर आप मुझे देख रहे हैं आपने शादी नहीं की, आपको लगता है शादी करना ज़रूरी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें कहा जाओ इस पृथ्वी के ऊपर, फलो फूलो और भर जाओ, अधिकार दिया दोनों को, अंधकार की शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया। आफ्टर मैरिज, हालेलुया, आपको मैरिज करनी है, विश्वासी को विश्वासी के साथ एक जुए में जाना है, हालेलुया। और उसके बाद अगर आप शादी कर चुके हैं तो आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ मिले रहना है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तेरा हस्बैंड विश्वास करता है या नहीं भी करता, तेरी वाइफ अगर विश्वास करती है या नहीं भी करती, तो भी तेरी प्रार्थना के द्वारा तू नहीं जानता या तू नहीं जानती कि तू उसका उद्धार करा लेगा। हालेलुया। आज लोग अपने इस रिलेशन से फेड अप हो चुके हैं, वो नहीं जानते कि ये रिलेशन परमेश्वर की ओर से दिया गया है। डेवल उनको भरमाता है, शैतान उनके माइंड में गलत चीज़ों को डालता है ताकि वो अलग हो जाएं। उसका इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है कि यहाँ पर इस धरती के ऊपर आप इस पाप को, इस ब्लंडर मिस्टेक को करें और जो आसमान पे आपका और मेरा दूल्हा है वो इस दुल्हन को ना लेके जाए। मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या आप उस दुल्हन की तरह तैयार हैं कि आप उस दूल्हे के साथ जा सकें? अगर नहीं तो आज ही अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को अपने से अच्छा समझो, तौबा करो, सॉरी फील करो, अपने रिलेशन को रीबिल्ड करो, प्रार्थना करो इकट्ठे बैठ के और शुरुआत करो एक नए रिलेशन की आज, ऑनर करो इस रिश्ते को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस रिश्ते को ऑनर किया। अगर किसी चीज़ को परमेश्वर ऑनर कर रहा है और आप उसको ऑनर नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है कि वो आपको ब्लेस करेगा? नो, वो आपको ब्लेस नहीं कर सकता, आप उसके अंगेंस्ट जाके ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते। यू हैव टू बी रिपेंट, आपको तौबा करनी पड़ेगी, एक दूसरे को एक दूसरे से बढ़ के जानना पड़ेगा, एक दूसरे को लिफ्ट अप करना पड़ेगा। अगर इसका फेथ कम है, अपनी प्रार्थनाओं में इसको लिफ्ट अप करो, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो ताकि तुम्हारे गुनाह भी माफ़ किए जाएं, बाइबल कहती है। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, इसीलिए उसने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और
मेरा ये फेथ है इस प्रार्थना में भाग लेने के बाद, इसको रिसीव करने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आओ अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दिए हुए इस वचन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे देखने वाले हर एक भाई बहन के लिए, जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं खुदावंद, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज में ट्रबल है या जिनकी मैरिज अब तक नहीं हुई। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी लाइफ में खुदावंद इनका लाइफ पार्टनर एंटर हो बहुत जल्द और ये गवाही के साथ खड़े हों। खुदावंद अगर इनकी मैरिज में ट्रबल है, अगर डेवल कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं उसकी सारी चालों को काटता हूँ और इनके रिलेशन को रीस्टोर होने के लिए मांग लेता हूँ। महान परमेश्वर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई बीमार है कोई कमज़ोर है, यीशु मसीह के नाम से वो एक नया बल प्राप्त करें, बीमारियाँ गिरें, दुष्ट आत्माएँ निकलें और तेरे लोग आज़ाद किए जाएँ और गवाही के साथ खड़े हों। इनके बुजुर्गों को बच्चों को हम तेरे लहू में ढापते हैं, इनको फाइनेंशियली फिजिकली ब्लेस करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ आपके इस कीमती समय के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250 6044540101। इसके अलावा अगर आप इन पर्सन चर्च में आके आप मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तब भी आप हर इतवार दोपहर 1 बजे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 East 51st Avenue, वैंकूवर BC। और इसके अलावा आप टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखरी, तुझको बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।